ही नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह आज एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ जहाँ पर एआरओ जयपुर आर्मी की वीर भर्ती हो रही है जिला स्टेडियम सीकर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ नई इन्फॉर्मेशन मेडिकल पास कैंडिडेट से। आज के दिन में मेडिकल के कैंडिडेट क्या क्या हुआ था इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तथा किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तथा सबसे ज़्यादा मेडिकल पॉइंट कौन से पॉइंट्स के ऊपर मिल रहे हैं इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर तथा अपने सभी साथियों के साथ। तो दोस्तों अपना परिचय बताइए तथा आपका आज क्या रहा, कौन सी कैटेगरी थी जो मेडिकल के अंदर आपका क्या रहा उसके बारे में बताइए। आपका रनिंग कब हुआ था? रनिंग मेरा 6 तारीख को हुआ था। 6 सितंबर को आपका रनिंग हो गया था। अच्छा, मेडिकल आपका आज था? मेडिकल आज था, मेडिकल ऑन फिट। अरे गॉड डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, भाई के लिए एक बार सभी तालियां, बहुत बढ़िया भाई अपना है वो मेडिकल ऑन ग्राउंड फिट हो गया है। अब मेरे को बताओ मेडिकल के अंदर मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना हो सके थोड़ा बहुत बच्चों को जानकारी देने की कोशिश करो। स्टार्टिंग से कितने बजे एंट्री किया था आपने आज? आज सुबह 7:30 बजे एंट्री किया था। 7:30 बजे आपको गेट में एंट्री दिया था और गेट के अंदर आपको 6 फोटो। अच्छा, वो RDM RMDS नंबर वाला जो रनिंग पास जो बच्चे होते हैं उनको RMDS नंबर मिलेगा, बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, वो अपना साथ लेके आना है। अच्छा, और वहाँ पे अंदर जाने से पहले सारा सामान बाहर रख देते हैं, केवल अंडरवियर के अंदर और RMDS और 6 फोटो और सिर्फ अंडरवियर पहन के रखो और अपना जो RMDS नंबर है वो साथ में लेके रखो, बाकी सारा का सारा सामान है वो आपका साइड में रखवा देंगे। तो मेडिकल की शुरुआत कहाँ से होंगे और कहाँ तक चली मेरे को थोड़ा बहुत इन बच्चों को भाई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मेडिकल की शुरुआत फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चों को बैच बनेगा, बैच बनाएंगे 37 या 40 बच्चों तक का बैच बनेगा। अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं टोटल बच्चों को, एक बार ग्रुप में एक साथ बिठाया होगा उसके बाद में अलग अलग ग्रुप बना दिए। अलग अलग ग्रुप बनाएंगे फिर 40 बंदों का लास्ट 38 या 40 बंदों का ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले तो इतना बता दीजिए इन भाइयों को कि 48 से आपका जो कि 40 का बैच था उसमें से ऑन ग्राउंड फिट कितने हुए हैं? ऑन ग्राउंड मेरे वाले में 16 फिट। 16 बच्चे भाई ऑन ग्राउंड फिट हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। अब जो मेडिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत बता दीजिए मेरे को, जो मेन पॉइंट है किन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा बच्चों को मतलब ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे ज़्यादा तो शोल्डर का वाला देते हैं, शोल्डर मतलब अप डाउन वाला, अप डाउन वाला। क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल से ऐसे नॉर्मल में खड़े रहते हैं तो वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, वो जो पीछे घूम के वो चलाते देखते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट शोल्डर का मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ शोल्डर का पॉइंट है वो बच्चों की खुद की गलती की वजह से या खुद की बेवकूफ़ी की वजह से मिलता है। क्योंकि मतलब अभी जैसे अपन यहाँ पर अपने पीछे से निकलेगा और उस समय हम ऐसे नॉर्मल खड़े हैं तो डायरेक्ट आपको वो आपको पूछेगा भी नहीं कि आपका मैं पॉइंट चेक कर रहा हूँ, मेडिकल चेक कर रहा हूँ। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक आपका मेडिकल हो रहा है बिल्कुल एक्टिव रहिए, 100% एक्टिव रहिए। आपको पास वाले बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी पोजीशन बना के रखना है और जो सामने वाला अपना जो फौजी डॉक्टर होता है वो जो बता रहा है सिर्फ उसी की बातों के अकॉर्डिंग करें, बाकी आउटसाइड नहीं देखना है। उसके बाद में एक शोल्डर और तो सब नॉर्मल है, एक कान वाला, बस कान की सफाई, कान की सफाई का भी विशेष ध्यान देना है ना, कान के पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं, कान की सफाई वो पॉइंट है भाई आपकी खुद की गलती की वजह से खा रहे हो। और लगभग कितने मेडिकल पॉइंट चेक हुए थे लगभग, जैसे मतलब आपको कहा कितना टारगेट कर रहे हैं? कार कलर विजन वाला है, कुछ बच्चों के कलर विजन का डाउट है, नॉर्मल हो रहे और आपको कार समुद्र वाला थोड़ा ज़्यादा आपको अभी टोटल पॉइंट लगभग कितने हुए थे? 15-16 पॉइंट। टोटल 15-16 पॉइंट चेक किए थे। और ये जो कलर विजन वाला है ये बच्चों के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, कितने पेज चेक करते हैं? लास्ट 2 या 3। ये चीज़ भाई हम हमेशा बच्चों को बोलते रहते हैं, यदि आपने स्टार्टिंग वाले 2 या 3 का जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे दिया ना तो मेरे कलर विजन से पहले नहीं, कलर विजन से पहले वो दूर वाला वो एबीसीडी पढ़ते हैं ना, हाँ वो है, उसके बाद में कलर विजन। अच्छा, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन? बस और बढ़िया, और नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा है। तो भाई आप ऑन ग्राउंड फिट हो, बहुत बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। और इसी प्रकार से आपका जिस दिन मेरिट है उस दिन सबसे पहले नाम इन दोनों भाइयों का हो। और आप कुछ बताना चाहोगे, कहाँ से हो आप? बस मैं एक ही गांव के हूँ। अच्छा, दोनों एक ही गांव से हो, बताओ कुछ बताना चाहोगे? बस ये बताना चाहूँगा अच्छा, एक ही ग्रुप में मेडिकल हुआ है, बस खान पीन का सामान साथ लेके जाए, मेडिकल हो या फिर फिजिकल। ये चीज़ भाई सारे बच्चे बोल रहे हैं, अपना खाने पीने का सामान हो ग्राउंड के अंदर लेके जाए, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा, पानी के अलावा मना आपको कुछ वहाँ रखने के लिए। खाने पीने का सामान फिजिकल में भी साथ लेके जाए और मेडिकल, क्योंकि पूरा दिन चला जाता है। जिस दिन फिजिकल वाले दिन आप एंट्री हुए थे कितने बजे? फिजिकल वाले दिन 12 बजे एंट्री हुए थे, शाम को 7 बजे निकले। क्या बात करते हो, तब तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला और आज सुबह 7 बजे एंट्री हुए थे और अभी निकले लगभग 6:30 बज रहे हैं।
आज तो फिर वो सब लेके गए थे, वो कल का फिर बताना ना। बाकी ये जो मतलब अपने जो नोटने वाले एरिया जो पॉइंट्स हो रहे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा कितना टारगेट कर रहे हैं? इन पर नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा वो शोल्डर ही रहे और सब नॉर्मल कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको कुछ मतलब जो अनफिट और फिट वालों में क्या अलग से स्लिप मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला, अनफिट वालों को स्लिप दिए और जो फिट है उनको कुछ नहीं दिया, उनको वो सब कुछ नहीं दिया। और जो अनफिट वाले उनको वो स्लिप दे दिए, उनका रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल वालों का कोई डेट बताया? 13 तारीख तक जयपुर तो भाई जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में तथा नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।